वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों का आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें मैं बता रहा हूं ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और आप लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ताकि कल हो करके आप लोग फिर मुझे मत कहना कुछ कि प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियोज आप लोगों को मिलता है सारा का सारा देखना। ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेशन का वीडियोज दिखा तो देख लिए और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का दिखा तो नहीं देखे। प्लेलिस्ट में जो भी आपको डाला जा रहा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग सारा वीडियोज देखो। और मुझे ये हर वीडियो में बोलना पड़ता है ताकि कोई मिस ना हो आप लोगों से। और आप लोग डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ अभी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सबका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। आप लोग उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं वीसीआर साइकिल। तो अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीसीआर साइकिल होता क्या है। हम लोग जितना भी चीज इसमें करेंगे या देखेंगे या क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो हम लोग ये वाला डायग्राम से ही करेंगे। तो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा ये टीएस डायग्राम है, कैसे प्लॉट करते हैं, इस तरह से करना। ठीक है, यहाँ पे लेना आप लोगों को 0.1 और यहाँ से हम लोग सीधा चले जाएंगे, क्योंकि एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होता है 1 से 2 में। तो ये हो गया आप लोगों का 0.2। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखना कि जब हम लोग 2 से 3 पे जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं, हल्का सा यहाँ से, ये सुपर हीटेड रीजन में है, तो हम लोग यहाँ से टेम्परेचर को डाउन करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से फिर ऐसे जाते हैं, ये हम लोगों का होता है 0.3, और यहाँ से फिर हम लोग ऐसे होता है, और यहाँ से ये हो जाता है, तो ये हम लोग का हो जाता है 0.4। इतना ज्यादा कर्व नहीं होता है, हल्का कर्व होता है, यहाँ यहाँ तक आ जाएगा आपका, तो ये 4। तो आपको ये सारा चीज पता चल गया होगा कि 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 थ्रोटलिंग वाल्व, और 4 से 1 इवेपोरेटर। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, और इवेपोरेटर क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है। तो ये सारा चीज अगर आपको पता चल गया तो अब हम लोग इसके आगे बात करने जा रहे हैं आप लोगों का कि देखो जो भी चीज हम लोग निकालेंगे ना, वो हम लोग निकालेंगे इंथैल्पी के टर्म में। किसके टर्म में निकालेंगे, इंथैल्पी के टर्म में। अब देखो, अब जैसे कि 2 और 3 में कंडेंसर है, तो कंडेंसर कितना हीट रिजेक्ट करेगा वो हम लोग निकालेंगे इंथैल्पी के टर्म में। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो होगा इस इवेपोरेटर का वो कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे इंथैल्पी के टर्म में। तो मैं सिंपल सा फंडा आप लोगों को बता देता हूँ कि 0.1 है तो 0.1 पे H1 है, 0.2 पे H2 है, 0.3 पे H3 है, और 0.4 पे H4 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे बस जितना बता रहे उतना ही सुनना। अब हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर। देखो 0.1 से 2 में क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेसर के द्वारा वर्क डन कितना हुआ। 0.2 से 3 में कंडेंसर हीट को रिमूव कर रहा है, तो कंडेंसर कितना हीट रिमूव किया। 3 से 4 थ्रोटलिंग वाल्व है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, और 4 से 1 इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर ने जो स्पेस को ठंडा किया वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना दिया। तो ये हम लोग अब बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस डायग्राम को थोड़ा सा नीट और क्लीन करके बनाओ, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे इस तरह से करना, ऐसे करना। ठीक है, ये है आपका टी, ये है आपका एस, और ये ऐसे करके आप लोग बनाना। यहाँ पे पेन फिसल जाता है, इसलिए ये जितना अच्छा से मैं बनाना चाह रहा हूं उतना अच्छा से नहीं बनता है। और एक चीज देखना, ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट से इधर लेफ्ट सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, पॉइंट से राइट सेचुरेटेड वेपर लाइन, और सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन जिस पॉइंट पे मिलता है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब हम लोग फिगर बनाते हैं। 1 यहाँ पे 0.1, यहां से सीधा एकदम स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि इंट्रोपी कांस्टेंट होता है प्रोसेस 1 से 2 में।
तो ये आपका हो गया। और 2 से 3 में कैसे जाएंगे, स्ट्रेट नहीं जाएंगे, 2 से 3 में पहले ये सुपर हीटेड है ना, सुपर हीटेड वेपर है, तो आप इसका क्या करोगे, देखो ये लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन के बाहर पूरा का पूरा सुपर हीटेड है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से ऐसे चले जाते हैं और ये हो जाता है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसर का वो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, वो 2 से 3 तक का है, याद रखना 1 से 2 तक कंप्रेसर का प्रोसेस है और 2 से 3 तक जो है वो कंडेंसर का प्रोसेस है। अब बताओ 3 से 4 हम लोग का ऐसे होगा, ठीक है, हल्का सा इस तरह से ऐसे, ये 3 और ये 0.4, ये आपका समझ में आ गया। और ये 3-4 क्या है, थ्रॉटलिंग है, और 4 से 1 आपका इवेपोरेटर है। तो चलो नाम दे दो, ये है कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर, ये 2 से 3, देखो 1 से 2 है कंप्रेसर, 2 से 3 ये क्या है, ये है कंडेंसर, कंडेंसर, और कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है। ठीक है, चलो 3 से 4 क्या है, ये प्रोसेस है आपका थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग है, और 4 से 1 क्या है, ये प्रोसेस, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है, ये प्रोसेस है इवेपोरेटर, यहाँ पे क्या है लगा हुआ, इवेपोरेटर। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर है, तो वर्क डन बाय कंप्रेसर, ठीक है, वर्क डन बाय कंप्रेसर। मैंने क्या बताया कि जो जो पॉइंट है वहां वहां का इंथैल्पी कितना होगा, 0.1 पे हो जाएगा H1, 0.2 पे हो जाएगा H2, 0.3 पे हो जाएगा H3 और 0.4 पे हो जाएगा H4, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं 1-2 वर्क डन बाय कंप्रेसर, बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को वर्क डन बाय कंप्रेसर इक्वल टू मास फ्लो रेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि हर चीज, मैंने क्या बताया था कि यूनिट वाट में लेते हैं, क्यों, क्योंकि पर सेकंड होता है वाट में, तो मास फ्लो रेट। और अब बताओ 1 से 2 है ना, 1 से 2 है, तो इंथैल्पी H2 - H1, ये हम लोगों का हो जाएगा वर्क डन बाय कंप्रेसर। चलो 2 से 3 का बात करते हैं, 2 से 3 में क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर, तो क्या बोलोगे आप, रिजेक्टेड हीट, रिजेक्टेड हीट किसके द्वारा, बाय कंडेंसर, कंडेंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 है और 3 है, तो हो जाएगा हम लोगों का एम मास फ्लो रेट, क्यू आर कर दो, रिजेक्टेड हीट मास फ्लो रेट इनटू H2 - H3। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि H जो है ना, आप लोग ध्यान से देखो, राइट साइड है तो ज्यादा है, अपर में है तो ज्यादा है। किसी एक प्रोसेस का अगर आप बात करोगे तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटा देना और अपर साइड में से लोअर साइड को घटा देना, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 का बात कर रहे हैं, तो 2 - 3 कर दिए, ये आपका 1-2 का हो गया, 2-3 का हो गया। अब 3-4 प्रोसेस का बात करते हैं, 3-4 क्या है, 3-4 है थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग है ना, तो अब आप ही लोग बता दो कि थ्रॉटलिंग में क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया, थ्रॉटलिंग का मतलब होता है इंथैल्पी कांस्टेंट, तो H3 और H4 बराबर होगा। अब ये मत कहना कि सर आप तो अभी बोले कि ऊपर में से नीचे को घटा देंगे या दाहिने में से राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटा देंगे, ये मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया, जहां पे घटाने का बात होगा वहां पे आप ऐसे करना आपको आसानी होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे कि किस में से किसको घटाएं। लेकिन चूंकि प्रोसेस 3-4 तो ऑलरेडी थ्रोटलिंग है, यहाँ पे कांस्टेंट है मेरा इंथैल्पी, जितना 0.3 पे इंथैल्पी है उतना ही मेरा 0.4 पे है, तो यहाँ तो घटाने का कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो H3 = H4। और 4-1 प्रोसेस का बात कर लेते हैं, 4-1 प्रोसेस तो ये क्या देता है, ये देता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है, यही देता है ना, कौन देता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट,
इवेपोरेटर, इवेपोरेटर देता है, और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का मास फ्लो रेट इनटू एच वन माइनस एच फोर। तो ये इक्वेशन है आपका, इसको आप लोग याद कर लेना, याद करने का कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, फिगर अगर आपको पता है तो ये सारा चीज आपको पता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इंथैल्पी के डिफरेंस को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस फिगर पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर आपका कंप्लीट, तो आपका रेफ्रिजरेशन कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का बात करता हूँ, तो यहाँ पे कंप्रेसर है ना, काम कौन कर रहा है, जो काम करता है एफिशिएंसी उसी का निकालते हैं, है कि नहीं, जो काम करता है एफिशिएंसी उसी का निकालते हैं। तो वन से टू में आप देखो ध्यान से, तो ये काम कर रहा है ना, वन से टू में कंप्रेसर काम कर रहा है। तो चलो आप लोग हेडिंग लगाओ कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगा कंप्रेसर का वो कितना होगा, तो आप लोग हेडिंग लगाओ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ये क्या होगा, तो ये होगा, देखो एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होता है, ये तो आपको पता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एयर इनटेक टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, मतलब वो जितना ले सकता है उतना तो ले नहीं पाता है कि नहीं, कोई भी चीज काम 100% कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, फ्रिक्शन की वजह से, एनर्जी लॉस की वजह से, बहुत सारा रीजन होता है। तो आप इसको लिखो, इट इज, कॉपी में लिखो तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एयर, एक्चुअल एयर इनटेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। मतलब आप क्या समझे, अब कंप्रेसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि इस तरह का सिलेंड्रिकल मान लो कुछ है, तो इसका एरिया देखो, पिस्टन लगा हुआ है, आईसी इंजन में आप लोग देखते होंगे पिस्टन लगा हुआ है, तो ये खींचेगा, तो खींचेगा लेकिन जितना कैपेसिटी इसके अंदर का है उतना तो नहीं आ पाता है ना। आप इंजेक्शन लेकर के आप दवा भरते हो तो वहां पे भी देखना आपको खाली जगह मिल जाएगा हल्का सा, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है एक्स्ट्रा एयर निकल जाता है। तो यही चीज है, जितना इसको लेना चाहिए उतना ये नहीं ले पाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल एन इंटू एन। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है, लेकिन आप समझने का कोशिश करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है आपका मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड में, ये है, ये आपका केजी पर सेकेंड में है, और ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में है। अगर मैं यूनिट का बात करूं तो ये मास फ्लो रेट है आपका केजी पर सेकेंड में, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका, ये है आपका मीटर क्यूब पर केजी। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको पता ही है कि ये होता है 1/डेंसिटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेक्निकल पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर रखना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का उल्टा होता है, और डेंसिटी कितना होता है, मास बट्टा वॉल्यूम होता है, केजी बट्टा मीटर क्यूब होता है, तो डेंसिटी होता है केजी बट्टा मीटर क्यूब, और इसका उल्टा कर दोगे तो मीटर क्यूब बट्टा केजी हो जाएगा। तो यही चीज तो मैंने लिखा है, तो जब आप करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम को, तो करके देखना आप करोगे तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही है ना एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम है पर सेकेंड जो ले रहा है, और ये क्या है, ये भी आपका मैक्सिमम वॉल्यूम जो वो ले सकता है, तो यही है। अब देखो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ये सर्कुलर होता है पिस्टन, तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और डी के टर्म में कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, तो ये एरिया होगा, और ये लेंथ है तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ये, तो ये एक बार का है, ठीक है, और ये एन, और एन क्या है, तो ये स्पीड ऑफ पिस्टन है, और ये नंबर ऑफ सिलेंडर है स्मॉल एन, तो इससे क्या होगा कि
मान लो एक सेकंड में एक ही तो सिलेंडर नहीं है ना, मान लो एक सेकंड में 10 सिलेंडर है और स्पीड उसका आरपीएस में काफी ज्यादा है, मान लो 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो सोचो कि एक सेकंड में एक सिलेंडर 15 बार ऊपर नीचे हो रहा है और वैसा वैसा 10 सिलेंडर है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा ना कि कितना वो एक सेकंड में उस ले सकता है एयर को और कितना उसने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार और आप लोगों को अच्छे से बताता हूं तो आप लोगों को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखो ये इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी आपका क्या होगा, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई बाय 4D² इनटू एल इनटू एन इनटू एन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक टर्म के बारे में लिख देता हूं कि ये क्या है, ये है मास फ्लो रेट और इसका यूनिट क्या है केजी पर सेकेंड, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्या है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 1/ डेंसिटी होता है और डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम केजी बाय मीटर क्यूब, तो इसका उल्टा करोगे तो मीटर क्यूब बाय केजी हो जाएगा। डी क्या है आपका, डायामीटर है तो ये आपका मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, और एल क्या है लेंथ है इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, एन क्या है स्पीड है स्पीड ऑफ द पिस्टन, ठीक है इन आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और एन क्या है नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक सिलेंडर है और इसमें जो है सो एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, तो ये पिस्टन अगर एक बार ऊपर से नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। वैसे भी आप लोग सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर को मैंने क्या किया डी के टर्म में कर दिया, तो डी बाई टू करोगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, और एच तो सिलेंडर है एच, तो यहाँ पे एच के जगह पे लेंथ हम लोग कर दे रहे हैं एल। ठीक है, अब बताओ ये एक बार आया नीचे उसका है, और ये है आपका स्पीड ऑफ पिस्टन एन पर सेकेंड, अब एक सेकेंड में ये पिस्टन मान लो 50 बार ऊपर नीचे हो रहा है, 50 बार, एक बार आया गया फिर आया गया फिर आया गया फिर आया गया, ठीक है तो वो 50 बार मान लो हो रहा है, तो एन के जगह हम लोग ये कर देंगे, मतलब जितना बार वो ऊपर नीचे हो रहा है एक सेकेंड में उतना, और ऐसा ऐसा मान लो 10 सिलेंडर है तो एक ही सेकेंड में एक सिलेंडर 50 बार ऊपर नीचे हुआ, और ऐसा ऐसा 10 सिलेंडर है तो उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो ले सकता था, तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन लिया कितना, लिया इतना ही लिया, है ना, तो ये हम लोगों का हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी, इतना डिवाइडेड बाय इतना कर दिए। अब अगर आप यूनिट का बात करोगे तो आप लोग देख लो, मैंने आपको बताया ना एम एम और इनटू V1 करोगे तो M का क्या है केजी बट्टे सेकेंड, और V1 का क्या है मीटर क्यूब बट्टे केजी, केजी से केजी कट गया तो मीटर क्यूब बट्टे सेकेंड, ये वॉल्यूम है आपका, और ये वॉल्यूमेट्रिक है ना वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो ये है आपका मीटर क्यूब बट्टे सेकेंड, और यहाँ पे आप इसका करो तो आप देखो ये क्या है, ये आपका देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और ये नंबर है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर, तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, रिवॉल्यूशन का कोई यूनिट होता नहीं, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड ये भी हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड ये भी हो गया, और ये कैंसिल हो गया तो यूनिटलेस हो गया, एफिशियंसी क्या होता है यूनिटलेस होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे आपको दो तीन चीज याद रखना है, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी, मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है आप बोलोगे केजी पर सेकेंड, ओके, तो ये सारा चीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इतना अच्छा से, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये सारा प्रोसेस है और किसके द्वारा क्या हो रहा है, कंप्रेसर वर्क डन कर रहा है, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, थ्रॉटलिंग में इनथैल्पी कॉन्स्टेंट रह रहा है, और इवेपोरेटर मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है,
और ये आप इंथैल्पी के हेल्प से मैंने कैसे निकाला, वर्क डन बाय कंप्रेसर मास फ्लो रेट इनटू आपका इंथैल्पी का डिफरेंस, रिजेक्टेड हीट बाय कंडेंसर मास फ्लो रेट इनटू इंथैल्पी का डिफरेंस, थ्रॉटलिंग आपका इंथैल्पी कांस्टेंट, और इवेपोरेटर का जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है मास फ्लो रेट इनटू इंथैल्पी का डिफरेंस। और किस किस पॉइंट के इंथैल्पी का डिफरेंस लेंगे ये आप कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ये डायग्राम देख करके। आपको पता होना चाहिए ना कि इवेपोरेटर 4 और 1 में है, ना कि 1 और 3 में है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसके आगे एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको आप लोग हेडिंग लगाओ कि प्रॉपर्टीज जो होता है, वेरियस प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, आप इसका हेडिंग लगाओ कि हम लोग अगर कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होता है, कंडेंसर प्रेशर को घटा देंगे तब क्या होगा, इवेपोरेटर प्रेशर को घटा देंगे तब क्या होगा, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है अभी तक तो आप लोग ये सारा चीज तुरंत समझ जाओगे। हेडिंग है आपका इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ VCR साइकिल, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से उसके परफॉर्मेंस पे क्या चेंजेज होता है। तो आप लोगों को मैंने TS डायग्राम बताया था और उसी के हिसाब से आप लोगों को मैंने PH डायग्राम बताया था। तो मैंने आपको TS डायग्राम में बताया था कि इस तरह से करते हैं और इसी को हल्का सा ऐसे कर देते हैं, इसमें मतलब हल्का सा झुका देते हैं। और TS डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि वन से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे करके ऐसे चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हल्का सा ऐसे होके ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 1 है आपका। और कंडेंसर कंप्रेसर इवेपोरेटर ये सारा चीज आपको पता है। और यही चीज मैंने आपको एक चीज और बताया था कि ये जो होता है हम लोगों का कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है, ये जो लाइन देखते हो ऐसे करके, ये हम लोगों का होता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, मतलब अगर 200 बार यहाँ पे प्रेशर है लेट और यहाँ पे 400 बार है प्रेशर, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपको 400 बार प्रेशर मिलेगा, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपको 200 बार प्रेशर मिलेगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोगों का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये तो आप समझ सकते हो। चलो अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 क्या है, सुपर हीटेड रीजन में है, तो यहाँ से 1 लेते हैं, और सीधा तो कर नहीं सकते क्योंकि सीधा करोगे तो अंदर चले जाएंगे, हम लोगों को सुपर हीटेड रीजन में जाना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट 2 है मेरा, और 2 से 3 देखो, 2 से 3 ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, लेकिन ये ग्राफ टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो प्रेशर है ना मेरा, तो 2 से 3 तो मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 2 से 3, और ये हम लोगों का 1 से 2 ऐसे चला जाता है, एकदम से स्ट्रेट मत करना, 1 से 2 जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हल्का सा इस तरह से जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया है 1000 बार कि ये 3 से 4 इस तरह से जाता है, चूंकि ये इंट्रोपी है, लेकिन हम लोगों को ये तो पता है कि इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, तो 3 से 4 इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा, तब तो पता चलेगा ना कि इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0.4, और 4 से 1 क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो ये ग्राफ आपका पीएच का रेडी है, 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 थ्रोटलिंग और 4 से 1 इवेपोरेटर। अब हम लोग एक चीज बता रहे हैं आपको कि जैसे कि ये इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर का ये प्रेशर है, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा आप लोगों का, अगर इस डायग्राम से अगर आप कंपेयर करो तो ये है आपका 200 बार, और इस डायग्राम से अगर आप कंपेयर करो तो ये है आपका 400 बार, यहाँ पे प्रेशर है वाई एक्सिस पे, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना। चलो तो अब आप देखो कि अगर मैं प्रेशर को घटाता हूँ बढ़ाता हूँ तो क्या चेंजेज आता है, तो आप लोग हेडिंग लगाओ कि अगर हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर को घटा दे तो क्या होगा। अब आप लोग बताओ कि इवेपोरेटर प्रेशर इसमें कौन सा है, ये वाला लाइन है ना इवेपोरेटर का, इवेपोरेटर प्रेशर का ये है 200 बार, तो मान लो 200 बार को घटा करके हम लोग 150 बार कर देते हैं तो क्या होगा, तो आप लोग हेडिंग लगाओ कि
इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर, मतलब ऐसे करके इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर, इसको आप लोग हेडिंग लगा लो और लिख लेना कॉपी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे तो आप लोग काफी फास्ट करना शुरू कर दोगे। चलो अब बताओ, ये 4-1 है मेरा प्रेशर इवेपोरेटर का, मैं क्या कर रहा हूँ कि घटा दे रहा हूँ। अब मेरा 4-1 जो है यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखना, अब मेरा 4 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो अब मेरा 4 ये हो गया 1 ये हो गया, तो 1 से 2 मिलाएंगे तो हम लोगों का ऐसे जाएगा लाइन। तो अब आप देख करके बताओ कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा क्या था, H1-H4 था, तो पहले मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये था, अब ये लाइन देखो थोड़ा सा इधर की तरफ आया है ऐसे, मतलब इसको अगर आप स्ट्रेट करोगे तो इतना मेरा छोटा है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ध्यान से देखो, ये वाला लाइन इतना छोटा है ना, तो मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हो जा रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा घट जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा घट गया। चलो कंप्रेसर का वर्क का बात कर लेते हैं, पहले 1 से 2 यहाँ इतना था मेरा H1-H2 मेरा इतना था, लेकिन अब मेरा नया वाला ये है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, वर्क डन बढ़ जा रहा है, ध्यान से देखो ये बड़ा है ना, नया वाला बड़ा है तो मेरा बढ़ जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वर्क जो है आपका कंप्रेसर का वर्क वो क्या हो जा रहा है, वो मेरा बढ़ जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया। चलो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बताओ, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और डिवाइडेड बाय वर्क डन, यही होता है ना, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का देखो अगर सिर्फ ये बढ़ेगा तो भी मेरा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस घट जाता, लेकिन ये तो बढ़ ही रहा है ये भी घट रहा है, तो मेरा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, घट जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोगों का घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, क्योंकि वर्क डन मेरा बढ़ जा रहा है, और वर्क डन मेरा बढ़ेगा तो एफिशिएंसी मेरा घटेगा। चलो तो यहाँ पे एफिशिएंसी मेरा घट जाएगा, तो आपसे एग्जाम में मान लो अगर पूछता है, देखो एफिशिएंसी वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, तो आप लोग कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, रट के जाओगे कभी नहीं बनेगा, भूल जाओगे। अगर डायग्राम पता है तो जैसे मैंने किया आप लोग करना, प्रेशर को घटाना है, घटाने के बाद आप देखोगे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो घट रहा है, तो घट रहा है, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटेगा तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी घटेगा, सिंपल था। चलो हो गया आपका ये कंसेप्ट, तो आप लोग इसको देख लेना, और ये जो मैंने घेर दिया है इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो उसी तरह से सेकेंड पॉइंट है, अगर कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा देंगे तब क्या होगा बताओ, इफ कंडेंसर प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे, कंडेंसर प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको पता है ना कि 3-2 कंडेंसर है, आपको पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा देंगे। अब बढ़ा दोगे तो देखो बढ़ाने का तरीका होता है, आप ऐसे करके यहाँ पे नहीं चले जाओगे, कंडेंसर का पॉइंट 3 देखो ये इस लाइन पे है, तो आपको इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा दिए, ऐसे करके हम लोग बढ़ा दिए, ध्यान से देखो ये हो गया मेरा नया पॉइंट 2 और ये हो गया मेरा नया पॉइंट 3, तो ये मेरा बढ़ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बताओ, आप क्या बोलोगे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो सर H1-H4 होता है, H1-H4 होता है, तो अब तो मेरा ये 4 और 1 है, अब देखो जब कंडेंसर प्रेशर यहाँ पे हो गया तो 3 से 4 हम लोग कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे ना, यानी 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 4, जब 3 यहाँ पे है तो 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ 4-, ये मैं नाम दे देता हूँ, और 1 पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है मेरा, 1 जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा, तो पहले मेरा 4-1, देखो पहले मेरा ये था, पहले मेरा ये ब्लू वाला लाइन था,
और अब मेरा ये हो गया, ध्यान से देखो कम गया, क्या हो गया, पहले मेरा ये था, ये मेरा पहले था और अब मेरा है H1 माइनस H4 डैश, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हुआ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका कम गया, क्या हो गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम गया। अब बताओ वर्क देखो क्या हो गया, वर्क देखो पहले 1 से 2 था, अब 1 से नया वाला 2 है, ये 2 डैश कर दो, ये 3 डैश कर दो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपका क्या हुआ, वर्क डन, वर्क डन, कंप्रेसर का वर्क ये बढ़ गया और ये घट गया, ये बढ़ गया, सीओपी करो, सीओपी होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बट्टे वर्क, कंप्रेसर वर्क, तो आपका क्या हो जाएगा सीओपी, ये आपका घट जाएगा। आपको ये भी समझ में आ गया, यहाँ पे कम कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस घट जा रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट जा रहा है, और इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे थे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट गया था और वर्क डन जो है हम लोगों का वो हम लोगों का बढ़ गया था, और वर्क डन बढ़ गया था और कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस घट गया था, यानी दोनों के केस में हम लोग सेम देख रहे हैं। मतलब क्या समझे, एक ट्रिक में बता देता हूँ कि अगर ऊपर वाला को बढ़ा दे और नीचे वाला को घटा दे, मतलब जो नीचे है उसको और नीचे कर देते हैं और जो ऊपर है उसको और ऊपर कर देते हैं, ये ट्रिक है, जो ऊपर है उसको और ऊपर कर देते हैं और जो नीचे है उसको और नीचे कर देते हैं, तो दोनों के केस में रिजल्ट मेरा सेम ही आ रहा है। देखो यहाँ भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट रहा था, सीओपी घट रहा था और कोफिशियंट जो है आपका ये वर्क डन का, कंप्रेसर का वर्क डन ये बढ़ रहा था, और यहाँ भी आप देखो कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट रहा है और कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस घट रहा है, यानी दोनों कंडीशन में मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि या तो कंडेंसिंग प्रेशर, मतलब जो प्रेशर ज्यादा है उसको ऊपर कर दो और नीचे वाला को नीचे कर दो, दोनों में रिजल्ट सेम आ जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं, आप लोग पॉइंट करके हेडिंग लगा लो कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। अब देखो सुपर हीटिंग में क्या होगा, सुपर हीटिंग पॉइंट वन पे मेरा रेफ्रिजरेशन में, पॉइंट वन पे मेरा रेफ्रिजरेंट था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको सुपर हीट कर दे रहे हैं, मतलब वन को हम यहाँ पे कर दिए, ये तो मेरा लिक्विड वेपर लाइन है, ये मेरा क्या है सेचुरेटेड वेपर लाइन है, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो यहाँ पे मेरा सेचुरेटेड वेपर कंडीशन में था पॉइंट वन पे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोले कि नहीं नहीं तुमको हम हीट कर देंगे, इसको हम लोग हीट करके यहाँ पे भेज दिए वन डैश। तो जब यहाँ पे हम लोगों का हो गया तो यहाँ से हम लोगों का जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके हम लोगों का जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का टू डैश, तो ये हम लोगों का नया हो गया। अब इस फिगर को आप देख करके बताओ कि पहले 4 से 1 तक मेरा था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और अब मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4 से 1 डैश तक है, तो मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया। ये आपको समझ में आ गया, चलो ये आपको समझ में आ गया कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा बढ़ गया। अब बताओ वर्क डन, वर्क डन के बारे में बताओ कि ये क्या होगा, तो मेरा वर्क डन जो होगा वो इनलेट टेम्परेचर, यहाँ पे देखो इनलेट टेम्परेचर, यहाँ पे पॉइंट वन का जो टेम्परेचर था वो था और अब पॉइंट वन डैश पे जो टेम्परेचर है मेरा वो है इनलेट टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा मेरा, इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनलेट टेम्परेचर, ठीक है। और सीओपी के बारे में जब बात करेगा तो सीओपी के बारे में हम लोग नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम लोग कंप्रेसर वर्क के बारे में नहीं कह पा रहे हैं कि ये ज्यादा है या कम है, लेकिन सीओपी डिपेंड कर रहा है आपका, डिपेंड्स अपॉन अपॉन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट, ये सीओपी आपका रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करता है। अगर बात किया जाए R12 का, इसका अगर बात करेंगे तो सीओपी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर NH3 का बात करेंगे तो सीओपी डिक्रीज कर जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों का रेफ्रिजरेंट पर। मैं बस आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको डायग्राम पता है, अगर आप डायग्राम इजिली बना लोगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, यहाँ पे तुरंत आप देखोगे और बता दोगे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। और ये सुपर हीटिंग था ना, तो सब कूलिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि सब कूलिंग क्या है। तो सब कूलिंग का मतलब क्या हुआ बताओ, सब कूलिंग का मतलब हुआ कि कंडेंसर मेरा क्या करता है, पॉइंट टू से हीट को रिमूव करते करते पॉइंट थ्री पे लाता है ना,
तो ये तो मेरा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सब कूलिंग और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे और थोड़ा सा हीट निकालेंगे, मतलब पॉइंट थ्री को यहाँ पे लेके चले जाएंगे। और अगर आप पॉइंट थ्री को यहाँ पे लेकर के चले जाओगे तो आपका जो है सो पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, ऐसे करके पॉइंट फोर के पास आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये लाइन पे ही आता है, ये लाइन पे ही आता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा फोर डैश। अब आप फिगर देख करके बताओ कि पहले फोर वन था और अब फोर डैश वन है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा मेरा, ये मेरा बढ़ जाएगा। और एक चीज देख करके बताओ आप ध्यान से, वन टू पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा कंप्रेसर वर्क, ये मेरा सेम हो जाएगा, फिगर से ही सारा कुछ पता चल जाएगा। और कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होता है ना, तो ये मेरा कांस्टेंट है, जितना था उतना है और ये मेरा बढ़ गया, तो सीओपी क्या मेरा बढ़ेगा नहीं, तो सीओपी मेरा बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चलो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। तो ये चार चीज जो मैंने अभी आपको बताया इसका हेडिंग आप लोग लगा लेना, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, सब कूलिंग, ठीक है। और देखो मैं एक चीज और बोलूंगा, हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है, तो काफी बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैं बता क्या रहा हूं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग लेक्चर देखो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग रिवीजन टेस्ट में मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, वो आप लोग देखना, वहां पे समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा रट लेना। अल्टीमेटली मकसद आप लोग ये रखो कि 35% कैसे भी करके हम लोगों को लाना है, ठीक है। हर लोगों का लेवल अलग अलग होता है, मैं बस बता रहा हूँ ये सोच करके कि आप लोग समझ जाओगे, और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप लोग समझोगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक चीज को बार बार बढ़िया से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो ये आज का था रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, और अभी तक हम लोग देख रहे थे VCR साइकिल, और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चले जाएंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और वो भी आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो और मन से तब तक एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।